शाहरुख, सलमान और आमिर बॉलीवुड के तीन खान, बॉलीवुड की जान, बॉक्स ऑफिस पर कमाई की खान, फिल्मों के आन बान और शान। बात बॉलीवुड की हो और इन स्टार्स की बात ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। फिल्म में शाहरुख, सलमान या आमिर काम कर रहे हैं तो फिल्म का हिट होना तय माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन है? सलमान, शाहरुख और आमिर में कौन नंबर वन है और क्यों? चलिए आपको बताते हैं। शाहरुख नंबर तीन। वैसे तो शाहरुख को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उनकी फिल्में वैसी नहीं चल रही जैसे कभी चला करती थी। शाहरुख आज भी बड़े स्टार हैं, लेकिन सलमान और आमिर जितने नहीं, इसलिए तीनों खान की रेस में शाहरुख खान फिलहाल तीसरे नंबर पर नजर आते हैं। सलमान खान नंबर दो। सलमान खान बॉलीवुड दबंग है, लेकिन बॉलीवुड के बादशाह नहीं। सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई तो करती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी की आमिर की फिल्में। सलमान खान को दूसरे नंबर पर हमने इसलिए भी रखा क्योंकि क्रिटिक सलमान को कोई खास भाव नहीं देते। आमिर खान नंबर वन। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में हर फिल्म में कमाई में पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ती हैं। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म इनके नाम है। ऐसे में आमिर अपने आप ही नंबर वन हो जाते हैं। आमिर की फिल्में न केवल दर्शकों को पसंद आती हैं, बल्कि क्रिटिक्स भी आमिर की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। इसलिए आमिर तीनों खानों की रेस में पहले पायदान पर हैं। शाहरुख, सलमान और आमिर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि तीनों स्टार्स में कौन नंबर वन है और आप उसे क्यों नंबर वन मानते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।